मैसेल्फ उमर तारिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल उमर तारिक टॉक्स। तो हम यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़ किया गया है यहाँ पे एग्रीकल्चर टूरिज्म जो किया गया है जामनू के लिहाज से, जो कि इसके फ़ायदे बता रहे हैं और मतलब अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि इसके क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि आप पीछे ये देख रहे हैं बैकग्राउंड पे, उसका उन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे उनके ऑनर भी आए हुए हैं जो तंजीम के हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ये सारा। तो हम उनसे भी जानेंगे इसके बारे में कि आप क्या अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को और इसका क्या फ़ायदा है। तो चलिए आइए हम अभी उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे। जैसा कि हमने अभी इसका टूर किया और जिसने ऑर्गेनाइज़ किया था चीफ ऑफ ऑनर थे, उनसे भी बात हुई, इसके फ़ायदे हमें बात करके पूछते हैं, ये हमें थोड़ी अवेयरनेस देंगे इनको क्या है। कोई इन्फॉर्मेशन मिली है ऐसी? क्योंकि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ऐसे ग्रुप और एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान, उनका जो बेसिक पर्पस है पाकिस्तान में ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रमोट करना, तो इस तरह इसीलिए पाकिस्तान में दूर दराज जहाँ भी ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा हो, कोई इवेंट का इनकार किया जा रहा हो, तो हमारी ये ड्यूटी है कि हमने उसको कवर करना है। अभी हम अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? सजल मलिक। अच्छा सजल मलिक, बड़ा खूबसूरत नाम है जी। अच्छा हमें आप ये बताइए कि आप यहाँ पे आए हैं तो क्या आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट नज़र आया है, क्या इंटरेस्ट मिला यहाँ? इंटरेस्टेड चीज़ ये है कि जो शहरों में जामन जाता नहीं पता कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा, जो मिडल मैन है जो हमारे किसान है वो इग्नोर हो रहे हैं, सारी मेहनत इनकी आगे हाईलाइट नहीं होती। और आज हमें आके पता चला जो खवातीन है स्पेशली लड़कियाँ वो इसकी ब्रांडिंग कर रही है, इसकी पैकिंग कर रही है, जब दरख्त से वो उतार लेते हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर है वो गर्ल्स, वो खवातीन जो कि उससे पेड़ से जब जामन उतरता है उसकी छांटी करके उसको अलग अलग साइजेस में अलग अलग कर्टन्स में बंद करती है। अच्छा लग रहा है जी, ऐसे देख के भी एक इंटरेस्ट पैदा होता है, ठीक है, और एक नेचुरली चीज जो है आपके सामने आ रही है। अच्छा हमें आप ये बताइए कि क्वालिटी में कोई आपको डिफरेंस नजर आया? जो हम लाहौर में वैसे नॉर्मली रेडी से लेके खाते हैं, स्टॉल से लेके खाते हैं, तो वो उसका टेस्ट अलग होता है, आर्टिफिशियल सा होता है, लेकिन ये जो एक्सपेंसिव भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, तो लेकिन यहाँ पे तो मैंने पेड़ पे खुद चढ़ के तो जामुन उतारा है, तो उसका टेस्ट बहुत अलग था, फ्रेश जूसी सा। ठीक है जी, हमारे साथ ये सजल मलिक और ये यहाँ के जो है अपना ऑनर है, तो इनसे भी बात करेंगे, थोड़ी सी अवेयरनेस लेंगे इनसे कि क्या फायदा ये ऑर्गेनाइज किस लिए किया। जी वालेकुम सलाम साहब, हमें आप ये बताइए कि थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि मतलब ये किस लिए आपने ऑर्गेनाइज़ किया, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है लोगों को? फ़ायदा ये है जी, ये पाकिस्तान में सिर्फ दो ही गांव हैं जो 385 और 386 जामन के लिहाज से सबसे बड़े दो ये गांव हैं, ठीक है, और जामन यहाँ ही पाया जाता है और आला क्वालिटी का पाया जाता है, ठीक है, जो हर बंदे को नहीं पता कि मतलब कितना डिफरेंस है। जैसे आम अगर हम दुकानदार से लें जाके एक किलो या दो किलो हम ले ही लेते हैं या एक पाव ले लेते हैं, तो यहाँ पे डिब्बा कितने का दे रहे हैं ये जामन? डिब्बा जी अगर बाजार में आप ले रहे हैं 2000 रुपये का, तो हम सिर्फ 1000 पर 1000 का दे रहे हैं। डिफरेंस है कितनी लो प्राइस है और वो और फ्रेश और क्वालिटी वाइज उससे भी कहीं बेहतर, और आपने खुद देखना है और खुद उसे वो पैक करवाना है, ठीक है, कोई ये नहीं कि पहले पैक किया होगा, आपके सामने लगे हैं, आपने जो जो कहने हैं वो उन्होंने पैक कर देने हैं, और क्वालिटी वाइज के लिहाज से बहुत अच्छे और बिल्कुल आधी आधी आधे रेट पे, ठीक है, आप खा के देख चेक कर सकते हैं, बिल्कुल, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मैंने खुद बल्कि यहाँ पे देखा है, और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये इतना कर सकते हैं, आपको मर्जी का देंगे, आपने जौन सा कहना है फल वो वाला इन्होंने डालना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? जाहिद बशीर अंजुम। जाहिद साहब आप हमें ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और क्या इंटरेस्ट है आपका? बेसिकली सत्याना से है तलक जी, तो इंटरेस्ट ये है कि बीइंग अ गार्डनर, मैं भी एक गार्डनर हूँ और ये जामन के वाले से ये दोनों गांव जो हैं 385 और 86 ये बहुत मशहूर है, तो आज ये टूर एग्री टूरिज्म वालों ने यहाँ पे जो मेले का इनकार किया है, तो जब भी इस तरह का कोई इवेंट होता है तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो आज माशाल्लाह बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली हैं, खास तौर पे जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाई है जामन के वाले से, तो आज हमें एहसास हो रहा है कि हमारा जामन तो कोड़ियों के बहुत जाता है, और अगर उसकी प्रोडक्ट जो है हम तैयार कर लें किसी वालेकुम अस्सलाम खालिद महमूद नाम है। खालिद साहब आप हमें ये बताइए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कोई आपको अच्छा लगा यहाँ पे आके? देखिए सबसे पहले एक ये चीज़ है कि एक मेले का जब नाम सुना हमने तो देखा कि कम से कम
थोड़ी सी एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए, माहौल गांव वाला होना चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज़ हमें ये लगी कि दोस्तों से मिलना आज हुआ, घर से निकलना इसी बहाने से कोरोना की वजह से। नेचुरली जो है हम इन चीज़ों के क्लोज हैं, क्लोज है, कहते हैं कि विरासत में मिलती है ज़मीनें वगैरह। जी बिल्कुल, सबसे यकीन करें कि और ये जो इन्होंने ये मेले का काम शुरू किया हुआ है ये तो इतना अच्छा है कि मैं ये सोच रहा था कि अपनी फैमिली के लिए जरिए भी कल को अगर ऐसा कोई इवेंट आता है तो हम अपने बच्चों को भी साथ लेके आए ताकि।